नमस्कार साथियों, जब से सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ था, नोटिफिकेशन आया था, तब से वैकेंसी को लेकर चर्चा हो रही थी। बीच में कई बार लोगों ने अपने अपने तरह से वीडियो बनाए, मैंने भी आरटीआई दायर किया हुआ था, उसका रिप्लाई अभी भी नहीं आया, लेकिन वैकेंसी कंफर्म हो गई। तो उस आरटीआई का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाने के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जो अपने हाथ में होते हैं। कई बार क्या होता है कि कहीं से भी उठा के, कहीं से भी कुछ भी बोल दिया, वीडियो बना दिया, तो आप क्लिक तो करोगे उसको, लेकिन ट्रस्ट टूट जाएगा। वो काम मत करो, ना मैं करूं ना किसी और को करने दूंगा। अब कोई करता है तो करने दीजिए, बट आपको भी पता है कि ढेर सारे लोग वीडियोज बनाते हैं, लेकिन कुछ एक लोगों पर आपको ट्रस्ट होता है। अब 2023 भले ही चुनाव वाला साल है, कि चुनाव से पहले जब भी कोई साल होता है तो उसमें हर राज्य में सेंट्रल लेवल पे हर तरह से वैकेंसी निकलती है, बट अब कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें वैकेंसी नहीं है। सीजीएल लेवल की बात करें, सीएचएसएल लेवल की बात करें, एमटीएस की बात करें, स्टेनोग्राफर की बात करें, सीपीओ की बात करें, दिल्ली पुलिस का भी मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत जल्दी उसकी भी खबर लेकर आऊंगा। इसके साथ साथ आपके पास एग्जाम की डेट भी है, आपके पास पढ़ने के लिए कंटेंट भी है, यूट्यूब पर कोई कमी नहीं है आजकल कंटेंट की। वैकेंसी कंफर्म होगी सीजीएल की 37,409 केवल सीजीएल की ही है। अभी 4500 सीएचएसएल की पड़ी हुई है, उसमें भी बढ़ने के चांसेस हैं। एमटीएस की 12,000 के आसपास है, उसमें और बढ़ने के चांसेस हैं। स्टेनोग्राफर आएगी, वो भी एक अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। सीपीओ भी अच्छी खासी होगी, दिल्ली पुलिस देखना अच्छी खासी होगी। तो ढेरों पद हैं आपके पास। अब इनका फायदा केवल ये थोड़ी ना कि भाई बस यही वैकेंसी है, खुश हो जाओ। भाई कंपटीशन भी तो बढ़ेगा, ज्यादा फॉर्म भरेंगे, और कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह जाओगे। आपको अपना बेस्ट देना है, पढ़ो, मेहनत करो। इंग्लिश के लिए इंग्लिश विद संजीव सर पर रेगुलर आपकी क्लास हो रही है, आओ पढ़ो, सीखो, नोट्स बनाओ, पीडीएफ, तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, रोज रात को 9 बजे जुड़ो। वो कैब मजबूत करनी है, सुबह 8:30 बजे आ जाओ। अब ये जो मौके हैं ना, इनका फायदा आपको उठाना है, क्योंकि ये टाइम निकल गया ना तो एसएससी के इतिहास में इतनी वैकेंसी कभी नहीं देखने को मिलेगी।